सोलापुर ज़िले के गांव में एक किसान का बेटा संगीत सीखने की चाह में पुनः आता है और देखते ही देखते हारमोनियम मेकिंग और ट्यूनिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाता है आज इसी कलाकार से हम मुलाकात करने वाले हैं और उनका नाम है धनंजय पाटिल नमस्कार मैं मीरा उपज प्रस्तुत पर्दे के पीछे के कलाकार में आप सभी का स्वागत करते हैं तो आज की मुलाकात बहुत ही खास है तो आइए मुलाकात को शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे अभी कई बार ऐसा होता है धनंजय जी कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो सीखना शुरू करते हैं उन लोगों को सीखना होता है और ऐसे दौर में नया हारमोनियम खरीदना इतना पॉसिबल नहीं होता हाँ, है हाँ, हाँ। तो ऐसे वक्त पे समझो उनके पहचान का कोई या कोई, हाँ, कोई रिलेटिव है हाँ। तो उनसे वो हारमोनियम ले लेते हैं अब समझो उन्हें चाहिए नर्नर हार्मोनियम, तो उनके टीचर ने कहा और उनके रिलेटिव से जो उन्हें हारमोनियम मिला है वो है वो खर्जनर तो ये पॉसिबल है क्या कि खर्जनर के हारमोनियम को हम नरनर में कन्वर्ट करें बिल्कुल हो सकता है ये अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ खर्जनर हारमोनियम है थोड़ा सा नर है इसको मैं नरनर नर में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ तो क्या करना होता है पहले बारह रीड निकालने खरज के लाइन के जी। और जो बारह निकाल के उसको पहले बिठाना वो सीक्वेंस स्टार्ट करके आगे के जो बारह है उसमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ते उस टाइप करके आप नर का नर, नर कर सकते अब देखेंगे क्या बात है लाइव, तो जो गरीब विद्यार्थी है समझो उसके पास आपने बोला खरज नर का हारमोनियम है तो उसका नर नर हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है नर नर का खरज नर भी हो सकता है लेकिन उसमें थोड़ा सा छोटे साइज का नर के साइज का खर्च डालना पड़ता है लेकिन जिस जिसका बजट कम है वो ऐसा कर सकते हैं क्या बात है ओके okay, तो अब इसका खरज नर का नर, नर करके उसका मैं आपको टोन सुनाता हूँ जी, हूं। जी। क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया आपने लग ही नहीं रहा है कि पहले ये खर्ज नर की हारमोनियम थी धनंजय जी हमारा जो ये एपिसोड है हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो संगीत भी सीखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी वर्क भी हैं और इस एपिसोड को करने का मकसद भी है कि उन्हें इसमें मार्गदर्शन मिले वाद्य को लेकर तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वाद्यों में जैसे अगर हारमोनियम की बात करें तो कीज का स्टिक होना या डस्ट पार्टिकल्स का अटकना बजिंग नॉइज आना और कई बार बैलो बजाते वक्त उसकी आवाज आती है तो इन सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे आपके पास कोई होम रेमेडीज है जो हमारे विद्यार्थियों को आप बताएंगे हाँ पहले एक होता है कि ये हारमोनियम मेकिंग भी एक डॉक्टर की तरह होता है आपको क्या ये होगा क्या हुआ है ये पता चलेगा तो आप इलाज जो है ना वो अच्छे तरह से कर सकते हैं उसमें हारमोनियम में प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको पहले समझ लो समझो अभी आपने बोला एक कीजा अटक रही है तो क्या कर सकते हैं तो उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते इस हारमोनियम का भी एक की अटक रहा है ऐसा आवाज आता है तो पहले समझ लो कि ये पट्टी निकलना है और उसमें इसके की अटक रहा है मतलब इसके चार ऑप्शन हो सकते हैं चार रीजन हो सकते हैं तो इसका क्या रीजन है अटकने का ये पहले ढूंढना चाहिए हो सकता है कि ये पहले इसको की को निकाल दो ये ऊपर की पट्टी को तो यहाँ पे कचरा अटक अटका हुआ होता है एक रीजन ये हो गया एक तो ये स्प्रिंग है इसका टेंशन कम हो होता है कभी तो उसकी वजह से ये ऐसा आवाज आ सकता है तो इसको निकाल के आप ऐसा उसका टेंशन बढ़ा सकते उससे भी वो ठीक हो सकता है है लेकिन अभी जो प्रॉब्लम वो इसका बर आता है साइड से लग रहा है तो इसको हमको थोड़ा सा घसना पड़ेगा इसके लिए हम पॉलिश पेपर या कानस का यूज कर सकते इसको निकालना पड़ेगा एक तो इसके नीचे कचरा आ सकता है जी। ये भी रीजन हो सकता है अभी इसका रीजन है ये घसने का है थोड़ा सा जी। हो गया अभी नहीं अटकेगा अभी नहीं अटकेगा ये जो कर कर आपने बोला आवाज आता है कभी कभी बेलो से तो उसके लिए एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे तिल का तेल छोटी चो, मात्रा में एकदम ऐसा ब्रश लेके आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं उसको तो उससे वो कर कर आवाज निकल सकता है यहाँ पे थोड़ा सा घी या डालडा या आ, न, तिल का तेल लगाना है और यहाँ जितनी पे और मात्रा और आपने बताई है उतनी ही मात्रा, में में है अल्प मात्रा में करना वो कर कर आवाज निकल जाता है ऐसे बहुत टॉपिक है जो छोटी छोटे आप कर सकते हैं जी 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 ऐसे चावल जैसी एक चीज है ना समझो इतना भी कुछ लकड़ी का टुकड़ा ऐसा भी कुछ बीच में आ गया ना तो हारमोनियम बिल्कुल नहीं बजेगा ऐसा कभी बहुत बार होता है कि हारमोनियम तो नहीं बज रहा है बात बोल रहे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है अभी बजेगा नहीं एकदम ऐसा आ रहा है तो पहले चेक करो इसको निकाल के कि ये अंदर कुछ ऐसा इसके ऊपर कचरा है या कुछ ऐसा चीज है तो उसको निकाल दो ऐसा कुछ है डस्ट इसको ब्रश से साफ कर लो ऐसा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है अभी बजेगा ये तो बहुत सिंपल ट्रिक है ये घर पे किसी को लेकिन जो नए है इसमें का किसी को पता नहीं है तो उनको ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं थोड़ा सा ये होता है वो घर पे उसका ट्रिक यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और uh, मैं आशा करती हूँ हमारे जो दर्शक हैं विद्यार्थी वर्ग है उन्हें ये होम रेमिडीज बहुत फायदेमंद रहेंगी और पर फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है और कई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए हमारे कलाकार उस सवाल का जवाब जरूर देंगे और इससे अगर कुछ ज़्यादा इश्यू है तो डेफिनेटली उन्हें हारमोनियम को वर्कशॉप में लेके जाना चाहिए